A1 फिल्म थी, परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। तेरा बाप करेगा के उद्भी राम लक्ष्मी। कलाकार तो जुड़ी हुई फिल्म है और कलाकार ने ना देखो कैसी सिचुएशन में काम करना पड़ रहा है भाई, घर की स्थिति ऐसी लेकिन स्टेज पर खड़े होना पड़ रहा है। कौन है अरिजीत सिंह, किसका के देना उसका, हमारी संस्कृति देखो। सोनलाल को गुरु मानना पड़ेगा, किधर है उस अंधे मन सिंह में जो गली गली भीख मांगता फिरे अंधे भिखारियों की तरह। मेरे गुरु के खिलाफ एक शब्द भी बोलिया जबान काट लूंगा तेरी। पूरे परिवार को लेके आए साथ में, बहुत बाट देखा इस फिल्म की। नाचना गाना डूमा है काम हो यार, बामड़ा की नहीं। जीऊंगा रे इतना रे 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 रे। जय हरियाणवी, जय दादा लक्ष्मी। इसका गला जा लिया, गाना ना गास कहीं भी हो भाई। फिल्म में इतना तर खैर के नहीं भाई, मैंने उस गला बनी की के होगी। जुड़िया तो जवाहरलाल नेहरू से लग रहे हैं मेरे ख्याल। हाँ दादा वही है। हाँ जी नेहरू जी तो है, तो बड़ा नाम सुना है भाई इनका, मिलकर रहा हूँ मैं। आग में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए मरते मरते। फिलहाल दादा लक्ष्मी मूवी देख कर आए हैं, आज 8 तारीख की रिलीजिंग है। कैसे लगी? हाँ बढ़िया लगी। बता भाई तू बता, मैं तो बताऊंगा तुम बताओ। कैसे लगी भाई? भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बढ़िया लगी, बहुत। पूरे परिवार को लेके आए साथ में, बहुत पार्ट देखा इस फिल्म की। अच्छा चलो मैं एक चीज और बता दूं, एक एक्सपीरियंस आप देवा रिव्यू लेवांगे, लेकिन अपने पट्टे बुजुर्गों ने भी लेकर आओ, अपने बालकान तो ले गया पट्टे ने भी लेकर आओ, अपने बुजुर्गों ने भी उन तक जरूर दिखाइयो। हाँ जी कैसी लगी जी? बहुत बढ़िया लगी। एक आदमी का जीवन कैसा होता है संघर्ष में, और संघर्ष करके ये आदमी बहुत बड़ा ऊंचे पर ऊंचे। बिना संघर्ष के कोई नहीं निखरता, संघर्ष जरूरी है। बहुत अच्छी मूवी है, मैं तो क्या कोई एक यूनिकनेस बताओ कुछ मूवी में जो जिस चीज का इंस्पिरेशन। कुछ आदमी बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ भाई बताओ जी। भाई आज तक बॉलीवुड के देखे थे, बोलिया भाई अरिजीत सिंह ने इतना स्ट्रगल करिया, नू करी सारा सो में पीट दी, बोलिया रिजेक्ट कर दिया था, नू कर दिया था। मन अपनी एक उन्हीं बेरा के कर रखी थी एट बड़ा सिंगर, आज बेरा लग गया भाई साहब। कौन है अरिजीत सिंह, किसका के देना उसका, हमारी संस्कृति देखो। आएगा देखो बेरा लग गया भाई, स्ट्रगल के चीज हो है, बेरा लग गया गायकी के चीज हो है, के समर्पित करना पड़ा कला में। नू कह करते पहले बड़े बूढ़े इसमें जो बात कर रखी थी भाई, बोले डूमा ना डूम गया इसका, कला जात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, यह अपनी संस्कृति या कोनी के जात में बैंड दिया आजकल के कारण लग रहे हैं। जात पात पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ भी नहीं। अरे भाई साहब बॉलीवुड ना छोड़ो, पहला खुद ने पिछाड़ो खुद के चीज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, 10 में 10। फिल्म एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया। सारे भाई निवेदन है भाई, सारे कल ना देखो फिल्म भाई, कई दिन फिल्म चल लगी, सारे भाई टिकट बुक कराओ और फिल्म देखो, बहुत बढ़िया फिल्म है भाई, एक नंबर की भाई। एक हरियाणा की संस्कृति है, ऐसी संस्कृति है जिसके मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी है भाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात की भाई, दादा लक्ष्मी चंद जिस टाइम वो दूध में खाना में मिला का कुछ खड़ाया गया भाई, फिल्म में इतना तर खैर के नहीं भाई, मैंने उस गला बनी की के होगी। हिम्मत फिर भी नहीं। बहुत ही एक्सलेंट फिल्म है, बहुत ही रोमांचक और बड़े इमोशनल फिल्म है, और परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। हाँ चंद्रावल के बाद बहुत ही लंबे अंतराल के बाद एक हरियाणवी फिल्म आई है, धमाकेदार, बहुत ही शानदार फिल्म। बताओ जी समझ आगे देखनी, आगे काम तो नहीं, पहले जबरदस्त A1 फिल्म थी। बढ़िया, कितने नंबर दोगे? 100% ये बहुत उपदेशात्मक फिल्म है, और इस मूवी के माध्यम से हमने अपने हरियाणा कल्चर के बारे में जानकारी होती है, और ये दादा लक्ष्मी के बिल्कुल दादा लक्ष्मी चंद जी का ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, उन्होंने संघर्ष करके ही अपने जीवन को जो है अपनी संस्कृति को खड़ा किया है, भारतीय संस्कृति को, हिंदी संस्कृति। और कोई ऐसा पॉइंट बताओ पूरी मूवी के अंदर जो आजकल की युवा पीढ़ी के काम आने की चीज है, जैसे इसको स्ट्रगल से रिलेटेड जिस तरह धोखा बना उसके साथ,
जी हाँ, इसमें जो है उनके जो नज़दीकी हैं वही धोखा दे सकते हैं, तो ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए। और ये प्यारी जो दगा देते हैं, और ये एक उपदेशात्मक है, और इससे हमें ये संदेश मिलता है कि नज़दीकी भी अपना धोखा दे सकते हैं। चलो, लक्ष्मी की बेबे हमारे साथ मौजूद है इस टाइम। लक्ष्मी की जो बचपन का लक्ष्मी था मूवी के अंदर, फिल्म के अंदर, उसमें जो बहन का रोल कर रखा है वो मेरे साथ मौजूद, खुद आपने भी देखी है गुड़िया फिल्म, कैसी लगी? ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी, कभी भी जिंदगी में। कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी पूरी फिल्म तो इतने देखी होगी? हाँ, अभी देखी मैंने। ये खुली आंख अभी पूरी फिल्म की थी। पार्ट टू में तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इतना हो सकता है? सीक्रेट खोल दी तो नहीं? सीक्रेट तो नहीं खोलना, सीक्रेट नहीं खोलना है। तो अच्छा, इसका हिस्सा बन का मतलब कैसे, मतलब जुड़ने का मौका मिला था? मैंने ऑडिशन दिया था कुछ क्षेत्र में। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं सिलेक्ट हो गई। तो फिलहाल जो पोस्टर है, पोस्टर में क्या नाम गुड़िया आपका? छोटो। छोटो उस मूवी में? हाँ जी। अच्छा, और एक्चुअल नाम क्या? ये छोटो है भाई, ये आप देख रहे हो मूवी का हिस्सा रही है छोटो, लक्ष्मी की बहन के रूप में। ये देख लो आप, ये छोटो है। और कौन सा डायलॉग था आपका? अभी तो आए ना, नहीं वो उसमें क्या क्या बोले था? बोला माँ, बोला लक्ष्मी, फिर बैठ गया। इसका नाम तो नहीं, मेरा वो वाला नहीं था। कौन सा आपका? चाल भाई लक्ष्मी तू भी चाल। चाल भाई लक्ष्मी तू भी चाल, पार्ट टू में। हाँ जान जी। हाँ राजीव भाई, राजीव भाई अपने अंदाज में बताएंगे। भाई गजब थी, शानदार थी, अल्टीमेट थी, और बहुत बढ़िया फिल्म है। का स्टाइल में बताओ किसी है। बहुत अच्छी फिल्म थी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। बजाओ बच्चा लोग ताली। ताली बजाओ भाई, बजाओ भाई, बजाओ ताली। अच्छा, यदि यदि राजकुमार बतांदा इस फिल्म के बारे में, सनी देओल बतांदा, तो सनी देओल लक्ष्मी पे लक्ष्मी, लक्ष्मी पे लक्ष्मी, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ऐसे पार्ट पढ़ते रहने चाहिए। क्या बात है, बताओ सनी देओल। अच्छा राजकुमार, यदि राजकुमार तो देखो फिल्म में जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो काम यशपाल शर्मन और पूरी टीम ने करे ना, ऐसा ही हरियाणा होना चाहिए। साफ सुथरा काम, ऑडियंस ने बड़ा आनंद लाके देखा, जी लाके देखा। और धर्मेंद्र होंगे तो किस तरह देखे, क्या बात है यशपाल शर्मा जी, कमाल करते हो आप भी, मां कसम ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। और देखिए भाषा, मैं तो कहता हूँ जो है हरियाणा में ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। लो कर लो बात, एक बार जोरदार तालियां भाषा यशपाल शर्मा के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया राजीव भाई। और देखो कुछ चीजें ऐसी भी हैं, देखो तीन चार चीजें हों जिंदगी में, सुख दुख लाभ आनी या सफेस मान मान स्ट्रगल भी आवे है, धोखा भी होवे है, तो इन सारी चीजें पार पाने की ऐसे मोटिवेशनल टाइप नहीं लगी मूवी इसमें कुछ इस तरह? इस फिल्म में सारी चीज है, कलाकार से जुड़ी हुई फिल्म है। और कलाकार ने ना देखो कैसी सिचुएशन में काम करना पड़ रहा है भाई, घर की स्थिति ऐसी, लेकिन स्टेज पर खड़े होना पड़ रहा है, तीन बहने, सबको हंसाने वाला, पीछे इतना दर्द छिपा उसका, लेकिन फिर भी कमाल की कमाल उसकी सोच देखो भाई। देखो कितना दर्द छुपा हुआ है, वो काम था चुपके चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। तो ये अपना अंदाज में राजीव भाई ने बताया, राजीव कॉमेडियन है राजीव भाई भी, लेकिन एक कॉमेडी और एक या इमोशनल और मोटिवेशनल मूवी। देखो कॉमेडी और इमोशनल दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। हाँ जी। हम स्टेज पर तो कॉमेडी कर रहे हैं, पब्लिक को हंसा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अगर की दुख तकलीफ है कलाकार की, एक आर्टिस्ट की, और सरकार से भी गुजारिश है मेरी कि इनके लिए भी कोई ना कोई सरकारी जो है जॉब होनी चाहिए। जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार है, जो म्यूजिशियन है, जो साज बजाने वाले भी हैं, वो एचटेट नेट वाला नहीं है उनका मामला, उनको एक अलग सी कैटेगरी बना के कोई ना कोई नौकरी की व्यवस्था भी होगी। तो अनिल भारती जी मेरे के मौजूद है, राम राम जी। आप अपना थोड़ा स्टाइल में परफॉर्मेंस के हिसाब से बताओ एक बार, मैम तो थोड़ा। मैं 5 साल RKSD कॉलेज में राजीव शर्मा जी और हम इकट्ठे रहे, श्याम लाल ने जो शर्मा हमारे देवबन से है उन्होंने गाया इसके अंदर, और हमारे छोटे भाई रहे हैं अभी भी मेरे उनके साथ टच में था, अभी बात हुई है, पूरी शुभकामनाएं दी है। इमोशनल है, ड्रामा है, और रियल स्टोरी है, और मैं खुद एक सांगी होते हुए भी मुझे गर्व होता है कि हमारी स्टोरियों को ये नेशनल इंटरनेशनल नहीं पूरी दुनिया तक जाएगी। और यशपाल यशपाल शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे ही हरियाणा को रिप्रेजेंट किया जाए, तो हरियाणा बड़ा रिच है हमारा कल्चर, और ऐसे ही जाएगा। 5-6 साल यूनिवर्सिटी में सांग करा नील ने, और एक स्थायी अंतरा बनाए, हाँ एक जैसे की सांग में मेरा बड़ा फेमस रही है वो रागनी, और मैं 2014 में विनर रहा हूँ उसका, वो पंडित मांगेराम जी की थी, क्योंकि ऐसे ही कल्चर में हमारी फिल्में बनती रहेंगी। ये रख कर उलटा ये रा नहीं रा फिरूंगा, ये रा सदा आगे कदम धरूंगा, और अगर के दुख
दूर करूंगा मैं जीऊंगा रे इतना रे 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 जय हरियाणवी जय दादा लक्ष्मी जय यशमल शर्मा ऑल हरियाणवी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया लगा भाई। और फिलहाल हाउसफुल था और ये आप कैथल का जो पद्मा सिटी मॉल है इस थिएटर तक आप लाइव जुड़े थे और रिव्यू हमने लिए। रिव्यू के बाद मैं नुकैस को मूवी एकदम मस्त बिंदास जकास बैंकर जबरदस्त खतरनाक शानदार जानदार इसलिए है क्योंकि मूवी में हर चीज है और कलाकार की कोई जात पिरात को नहीं होती भाई। जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ के इस मूवी ने अपना कल्चर तो जोड़ के देखो और संघर्ष तो जोड़ के देखो मोटिवेशन तो जोड़ के देखो जीवन में चुनौती आ जाए तो उस तक पार क्यों कर पाना है अपने के धोखा मर जाए तो उस तक पार क्यों कर पाना है हर चीज का सार फिल्म में दिया गया है। अरे भे पार्ट टू पेंडिंग है मूवी नहीं मामनु कैसे तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान।